जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल सूरज की रोशनी। रिजवान खान एवं फरीदी की कैमरा पर्सन अनमोल के साथ ये रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली के परपनगंज के थाने में संजय वर्मा नामक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपने गांव में उन्नव से अपने घर दिल्ली के लिए आए थे, जब उन्होंने एक ऑटो किराए पर लिया जिसमें पहले से ही एक महिला और पुरुष बैठे थे। संजय वर्मा ने उस ऑटो बैठना इसलिए पसंद किया क्योंकि उन्हें लगा कि ये ऑटो सुरक्षा के मुताबिक ठीक रहेगा। कुछ दूर ऑटो ले जाने के बाद ऑटो में बैठे संजय वर्मा के साथ महिला ने सामान लूटपाट के मकसद से हाथापाई की। जब संजय वर्मा ने सामान लूटने का विरोध किया तो बगल में बैठे व्यक्ति ने संजय वर्मा का गला घोंटने की कोशिश की और संजय वर्मा का पर्स, मोबाइल साथ ही उनका सारा सामान लूट लिया। पीड़ित की शिकायत पर पूर्वी दिल्ली की DCP प्रियंका कश्यप की पुलिस टीम के ACP अक्षत कौशल के नेतृत्व में इंस्पेक्टर अरुण चौधरी के साथ एक टीम बनाई। इस टीम में SI यशपाल, हेड कांस्टेबल संदीप, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र, कांस्टेबल नितिन राठी, कांस्टेबल करुणा, कांस्टेबल तेजपाल शामिल किए गए। काफी छानबीन के बाद आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपियों से आगे की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।